गोदावरी फाउंडेशन के डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीती रात अजीबोगरीब मामला पेश आया। चालीसगांव के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उसके साथ एक महिला पेशेंट थी जिसको सीने में दर्द और दावा किया गया कि उसके सीने में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण वो काफ़ी अत्यवस्थ थी, लेकिन गोदावरी फाउंडेशन के इस हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ का नज़ारा ही कुछ अद्भुत था। तूफानी बारिश अतिवृष्टि के कारण बारिश का पानी हॉस्पिटल के अंदर घुस गया, जिसके कारण से सभी तरह के पेशेंट को यहाँ पर समस्याएं और कठिनाइयाँ पेश आने लगी। हालांकि पेशेंट के साथ के कुछ रिश्तेदार और कुछ लोगों ने बारिश का पानी रोकने का पूरा प्रयास किया। आनन फानन में दरवाजे बंद कर दिए गए, कुछ लोग दरवाजे से सटे खड़े थे, लेकिन सभी तरह के मेडिकल उपकरण, पेशेंट्स, पलंग, इसके आसपास पानी फैलने लगा था। पानी इतना तेज था कि देखते ही देखते वार्ड के अंदर घुटने के करीब पानी जमा होने लगा। एक महिला दिखाई दी जिसके साथ उसका बच्चा था, बच्चा बीमार बताया जा रहा है, और इतना सारा पानी देखकर महिला अचानक रोने लगी, काफ़ी चिंतित भी हुई। हालांकि उसे कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया, उसका धाड़स बनाया, लेकिन महिला इतना इतना तकलीफ हो लोगों को कि जो बारिश ना कुछ होता है, कम से कम कमर के बराबर पानी था वहाँ पे, और लोग भाग रहे थे, कोई मदद के लिए आ नहीं रहा था, जिसका उसका पेशेंट लेके वो लोग ऊपर आए थे पानी बचाव के लिए। आईसीयू के पेशेंट थे सर? हाँ, दो तो आईसीयू के पेशेंट, हमारा तो आईसीयू का वेंटिलेटर का पेशेंट था। वेंटिलेटर का पेशेंट उनको मिला है, वेंटिलेटर तो उनको रात भर ही मिला नहीं, सुबह तक भी नहीं मिला। दीपक सर ने बोला उस हफ्ते उनको थोड़ा सा ये बात करके वो लोग उधर, उन्होंने आपके पेशेंट के लिए आपको कितनी देर तक रुकना पड़ा? हमारे पेशेंट के लिए तो हमको पूरा रात रुकना पड़ा था। और कब लिया फिर? सुबह सुबह हमको लिया, रात में लिया, केस पेपर बनाया, लेकिन कोई डॉक्टर उनके पास चेकिंग के लिए नहीं आया, वेंटिलेटर नहीं लाया, ऑक्सीजन नहीं दिया उनको। सुबह 11 बजे के बाद में उन्होंने उनका प्रोसीजर चालू किया। कितने बजे आए थे आप? रात को हम 11 बजे आए थे, रात से 11 लेके सुबह 11 बजे तक कोई पेशेंट ही नहीं हुआ, डॉक्टर आया ही नहीं था उनके पास। आपका नाम? आप लक्ष्मण नलकर। नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपक कुमार गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, जलगांव। रात में ना, आज सुबह मेरे पास में एक है ना वीडियो के साथ में ना एक कॉल आया, और उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजा हुआ है कि यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जो है जलगांव में जो सिविल हॉस्पिटल का था, वैद्यकीय महाविद्यालय में जलगांव के बीचों बीच में जो हॉस्पिटल था, वो है ना 17 किलोमीटर दूर गोदावरी कॉलेज में शिफ्ट किया गया हुआ है। और जो वो पेशेंट है, पेशेंट के नातेवाईक का फ़ोन आया कि हम ना गोदावरी कॉलेज में से बोल रहे हुए हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, हमको है ना चालीसगांव के पेशेंट है, चालीसगांव से यहाँ पर जलगांव में रेफ़र किया गया था। वो पेशेंट का जो है छाती में सब पानी भर गया हुआ है, वो पानी भरने के कारण उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसमें तो भर्ती करे तो बहुत ना नुकर के बाद में पहले तो भर्ती किया गया, और अभी सवेरे 8 बज गए हुए है, अभी 8 बजे तक कोई भी डॉक्टर उसको देखने को तक नहीं आया, और कोई ना ही इलाज किया गया, ना ही कोई देखा गया हुआ है। इसके साथ ही साथ रात में ना जोरदार बारिश हुई, तो बारिश के अंदर इतना है ना पानी भर गया कि घुटनों तक के पानी आ रहा था, और उसके अंदर पानी में सांप तैरते हुए भी दिखाई दे रहे, सांप, कीड़े, मकोड़े, जंतु दिखाई दे रहे। तो हमें इस बारे में हमने तकरार की ऊपर, नर्सिंग स्टाफ जो फर्स्ट फ्लोर पे था उनको बोला कि हमको ज़मीन पर सोने दो, लेकिन हमको ज़मीन पर भी नहीं सोने दिया गया, रात भर वैसा रखा हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए, ऐसा मुझे कॉल आया। इसके बाद में ना मैंने ना माननीय जिलाधिकारी अविनाश ढाकने साहब को कॉल लगाया, और उनको सारी वस्तुस्थिति दी और तकरार करी इसके बारे में, तब है ना उसके बाद में तथा उसके बाद मैंने जो अपर जिलाधिकारी है माननीय प्रवीण महाजन साहब, उनको भी कॉल किया। इसके बाद में 1077 जो आपत्ति बॉर रूम बनाया गया है जिला प्रशासन ने कोविड के लिए, उसको भी कॉल किया। ऐसा सब होते हुए वहाँ पे जो इतनी प्रॉब्लम है, एक को नहीं सभी को प्रॉब्लम है, और जो 17 किलोमीटर दूर दवाखाना किया गया हुआ है, ये सबसे बड़ी एक वजह नज़र आती है इनके कारण की। जो सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर होना चाहिए शहर के बीचों बीच, तो वो शहर के बीचों बीच सिविल हॉस्पिटल हटा के 17 किलोमीटर दूर डाला जाता है, और जहाँ शहर के बीचों बीच जो संक्रमक रोग है, कोविड 19 जो है ना कोरोना रोग है, वो संक्रमण करने वाला रोग है,
तो वो उसको शहर के बीचों बीच रखा गया है। जबकि अगर अगर हम इतिहास देखें संक्रमण रोग का, तो जो है ना इसके पहले कई साल पहले प्लेग आया था, हम सुनते हैं कि प्लेग का हॉस्पिटल शहर के बाहर है। कोविड अब उसके बाद में ना प्लेग के बाद में जो है कि टीवी हॉस्पिटल है, तो टीवी हॉस्पिटल का आज भी है ना मेहरून बाग में देखा जा सकता है, वहाँ पे उसके जो बंद पड़ा हुआ मेहरून बाग में टीवी हॉस्पिटल वहाँ पर भी है। तो ये सब है ना जो संक्रमण के रोड है वो शहर के बाहर होना चाहिए। तो इसमें नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या आर्थिक बात हुई है, आर्थिक लेन देन हुआ हुआ है कि जो शहर में होता है उसको बाहर किया जाता है, संक्रमण रोग का जो शहर में लाया जाता है और जो सिविल हॉस्पिटल है वो बाहर किया जाता है। और जो नागरिक है एकाधि एक्सीडेंट हो गया तो 17 किलोमीटर दूर जाते जाते उसके बचने का संभावना भी कम हो जाती है उसके अंदर। तो एक प्रकार के ये प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन है ना इसके आगे क्या मानू, इन राजकर्णियों के आगे नतमस्तक हो रहा है क्या, राजकर्णियों के लोटांगन कर रहा है क्या उसके आगे कि वो जैसा बोले वैसा कर रहे हैं क्या? आप मेरा इनसे प्रश्न है, आप आपको ये समझता नहीं कि 17 किलोमीटर जो सामान्य रुग्णालय है वो 17 किलोमीटर दूर डालते हैं। आप कहने को है ना आपने सावित्रीबाई फुले योजना में जो है बहुत सारे ना दवाखाने आपने बता दिए, उनकी पोजीशन है ये होती है कि डॉक्टर उनको लेते पेशेंट को लेते नहीं है, पेशेंट है ना प्रशासन तक के पहुँच नहीं पाता है कंप्लेंट करने के लिए, क्या करे वो समझ में नहीं आता पेशेंट को, पेशेंट अपने हतबलता है। एक आधी 2 दिन पहले एक डिलीवरी वार्ड के पेशेंट का डिलीवरी का मुझे कॉल आया जो है ना शाहू महाराज हॉस्पिटल के बाहर थी, तो बोले साहब हमको है ना डिलीवरी का पेशेंट पेन चालू हो गया हुआ है, हमको है ना हमारे यहाँ पर ले रहे नहीं है। क्यों उसका मैंने कॉल करके उनसे जब पूछा तो बोले ये पहले कोविड रुग्णालय था, अब इसका सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, तो जब सर्टिफिकेट आएगा इसके बाद में हम चालू करेंगे। इसके बाद में जलगांव का जो शिवाजी नगर में DBJN दवाखाना था वो प्रसूति था वो भी बंद कर दिया गया हुआ है। तो इन नागरिकों को मारने के लिए ये मारने का ये चल रहा है क्या कि इनको बलि चाहिए? प्रशासन को कितनी बलि चाहिए ऐसी कि जब उसके बाद में जागे होगा और ये बलि लेने के लिए ये सब कर रहा है क्या प्रशासन? इसमें संवेदना मर चुकी है क्या? निर्लज्ज प्रशासन हो गया हुआ है ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा।